आज हम बात करने वाले हैं 6 बेस्ट पॉकेट फ्रेंडली DSLR कैमरास के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में 50,000 से कम कीमत में मिलने वाले बेहतरीन कैमरास को जो आवश्यक स्पेसिफिकेशन के साथ मिलते हैं। इसमें शामिल है DSLR, मिररलेस और कॉम्पैक्ट कैमरास, और इन सभी के बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो उन्हें चेकआउट करना न भूलें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्रेपसून चैनल में। मैं हूं धीरज। तो चलिए देखते हैं इस बजट कैमरास को। नंबर 6 पर मैंने रखा है निकोन का D5500, जो आपको मिलता है ₹45,999 में, और आता है 16 मेगापिक्सल सेंसर और 17mm लेंस के साथ, जो 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। तो आप इसे हाई क्वालिटी के वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। 4.4 की रेटिंग के साथ ही कस्टमर इसके क्वालिटी, वैल्यू, वेट और परफॉर्मेंस को बहुत ही पसंद किया है। उन्होंने इसे एक्सीलेंट प्रोडक्ट बताया है और बोले है कि यह बहुत अच्छा वर्क कर है, घूमने वाली स्क्रीन शानदार है और टच स्क्रीन तो बहुत ही बढ़िया है। फोटो भी अच्छी आती है, पर बैटरी लाइफ थोड़ा कम है। कम रोशनी में अगर आप बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से लेंस की आवश्यकता हो सकती है। तो अगर आप 50 से 60,000 के बजट रेंज में एक अच्छा कैमरा ढूंढ रहे हैं तो आप निकोन D5500 को कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 5 पर मैंने रखा है कोडक का AZ401WH PIXPRO। इस कैमरे की प्राइस है ₹36,481, जिसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेंसर, वाइड ISO रेंज और 3 इंच LCD डिस्प्ले। कस्टमर ने इसे 4.1 की रेटिंग दी है। वहीं कस्टमर ने इस कैमरे को उपयोग में आसान और शानदार तस्वीरें लेने की वजह से काफी पसंद किया है। इसके 40x ऑप्टिकल जूम की भी काफी सराहना की गई है। वहीं एक कस्टमर ने बताया है कि इस बजट रेंज में यह कैमरा बहुत ही अच्छा है। वहीं बैटरी की लाइफ को लेकर ऑप्टिकल व्यू फाइंडर नहीं होना और लो लाइट कैमरे में बेहतर परफॉर्मेंस न देने को लेकर थोड़ी चिंता व्यक्त की गई है। पर दोस्तों, जो इस प्राइस रेंज में एक बेहतर कैमरा ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये कैमरा परफेक्ट है, क्योंकि यह कैमरा सभी प्रकार के फोटो वीडियो कैप्चर करने और उपयोग करने में आसान है। यह उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो एक कॉम्पैक्ट कैमरा चाहते हैं, जिसे वो अपने साथ ले जा सकें, और इस वजह से आप इस कैमरे को कंसीडर कर सकते हैं। वही नंबर 4 पर है पैनासोनिक का LUMIX G7, जो एक बहुमुखी मिररलेस कैमरा है, जिसकी कीमत ₹42,489 है। यह 16 मेगापिक्सल सेंसर और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग क्षमता के साथ आता है, और इसे 4.3 की रेटिंग मिली है। इसमें कम रोशनी और स्टार लाइट मोड जैसी विशेषताएं हैं, जो इसे कम रोशनी वाली स्थितियों में भी शानदार तस्वीरें लेने में सक्षम बनाती है। वहीं ग्राहकों ने इस डिजिटल कैमरे की क्वालिटी, पिक्चर वर्साटिलिटी और पोर्टेबिलिटी को काफी पसंद किया है। उनका कहना है कि यह बिगनर के लिए बढ़िया है, जिसमें अच्छे सेंसर, बेहतरीन क्वालिटी है। कुछ लोग पोर्टेबिलिटी, वीडियो और अन्य खूबियों से भी काफी संतुष्ट है। हालांकि कुछ ग्राहकों की ऑटो फोकस को लेकर अलग अलग राय है, पर इस प्राइस रेंज को देखते हुए आप इस कैमरे को कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 3 पर है निकोन का D3500, जिसमें मिलता है आपको 24.2 मेगापिक्सल का सेंसर एंड ऑटो फोकस P1855mm लेंस के साथ, और इसको मिली है 4.4 की रेटिंग। यह उन बिगनर्स फोटोग्राफर्स के लिए बढ़िया विकल्प है जो यूजर फ्रेंडली कैमरा ढूंढ रहे हैं और हाई क्वालिटी वाली तस्वीरें लेना चाहते हैं। यह लंबी बैटरी लाइफ और कंफर्टेबल ग्रिप के साथ आता है, जो इसे फोटोग्राफी की बेसिक सीखने के लिए आइडियल कैमरा बनाता है। हालांकि हाई एपर्चर पर शूट करने की लिमिटेड क्षमता को आप एक कमी के रूप में देख सकते हैं, परंतु अगर आप एक बजट फ्रेंडली बिगनर फोटोग्राफर हैं और एक ट्रस्टेड एंट्री लेवल DSLR कैमरा खोज रहे हैं तो निकोन D5500 पर विचार कर सकते हैं। तो लेने से पहले इसकी लिमिटेशन के बारे में जरूर अवेयर रहे। वही नंबर 2 पर मैंने रखा है कैनन का EOS 300D, जिसकी प्राइस है ₹30,990, और इसमें आपको 18 मेगापिक्सल का सेंसर और EFS-S1855mm लेंस के साथ मिलता है, और इसको कस्टमर ने 4.1 की रेटिंग दी है। इसे बिगनर लोगों के लिए एक अच्छा कैमरा माना जाता है, जो अच्छी तस्वीरें लेता है और इस्तेमाल करने में आसान है। हालांकि कुछ समीक्षकों का कहना है इसमें एडवांस फीचर्स की कमी है और वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे कैमरे की तलाश में हैं जो अच्छी तस्वीरें लेता है और इस्तेमाल करने में आसान है, तो यह कैमरा आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि यदि आप एक ऐसे कैमरे की तलाश में हैं जिसमें एडवांस फीचर या बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी हो, तो आपको किसी अन्य मॉडल की तलाश करनी चाहिए। नंबर 1 पर मैंने सेलेक्ट किया है कैनन का EOS 1500D। इसकी प्राइस है ₹40,999, और ये 24.1 मेगापिक्सल
APS-C CMOS सेंसर और EPS-S 1855mm लेंस के साथ आता है, और कस्टमर ने इसे 4.4 स्टार की रेटिंग दी है। दोस्तों Canon EOS 1500D उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अपने फोटोग्राफी जुनून को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह एक किफायती DSLR कैमरा है जो शानदार तस्वीरें लेता है, सीखने में आसान है और इसमें उपयोगी फीचर्स का खजाना है। वही 24.1 मेगापिक्सल सेंसर और 1855mm लेंस के साथ यह कैमरा दिन के उजाले में शानदार तस्वीरें कैप्चर करता है। सिंपल कंट्रोल और क्लियर मेनू आपको आसानी से शानदार तस्वीरें लेने में मदद करती हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी फोटो शेयरिंग को आसान बनाती है, जबकि लंबी बैटरी लाइफ भी इसका एक प्लस पॉइंट है। हालांकि कुछ लिमिटेशन है, एडवांस फोटोग्राफर्स को सीमित ऑटो फोकस पॉइंट खटक सकती है। साथ ही हेडफोन जैक की कमी, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक किफायती और उपयोग में आसान कैमरे की तलाश में हैं जो आपको बेहतरीन तस्वीरें लेने में मदद करे, तो Canon EOS 1500D आपके लिए एकदम सही विकल्प है। यह बिगनर फोटोग्राफर्स को अपनी फोटोग्राफी जर्नी शुरू करने और अपने स्किल को डेवलप करने में काफी उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने 6 बेहतरीन DSLR कैमरास के बारे में जाना जो 50,000 रुपए से कम कीमत में उपलब्ध है। इसमें से हर कैमरे की अपनी खासियत और कमियां हैं, तो आपको कौन सा कैमरा चुनना चाहिए यह आपके बजट, जरूरतों और अनुभव पर निर्भर करता है। यह वीडियो आपको इन कैमरास के बारे में एक बेहतर समझ प्रदान करेगा और आपको अपनी पसंद बनाने में मदद करेगा। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक या सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।